नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है, जहां भारतीय उदय निर्माण पार्टी में भाजपा संगठन समिति ट्रस्ट एवं ग्लोबल गोरक्षक वाहिनी ने अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ पार्टी में विलय कर लिया है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी शर्मा ने भी बताया कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 24/8/2022 को रखा जाएगा, जिसमें भारत के समस्त प्रदेशों से भारी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस मौके पर विलय हुए संगठन ग्लोबल गौर रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित रहे। मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य भी जो भी पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं भाजपा से, चूंकि मैं अभी तो उनकी एक कड़ी हूं और मैं उनको याद करूंगा। अगर संभवतः उनकी इच्छा अनुसार अगर कुछ रहेगा तो आएंगे, तो मैं उनके साथ। देखिए, अब चूंकि हमने अभी तक भाजपा को दिया ही है, लिया तो कुछ है नहीं। हम उन्हीं के लिए आज भी काम कर रहे हैं और अब तक काम करते चले आए हैं। इंसान अपने लिए कहीं ना कहीं कभी न कभी तो चाहेगा ही। आने वाले चुनाव में मैं भाजपा से गठबंधित होकर के कुछ मांग करूंगा सीटों के विषय में। यदि उनके अनुसार या हमारे अनुसार टाई अप तय होता है, गठबंधन होता है ठीक से, तब तो आगे रहेगा, अन्यथा फिर मैं बिल्कुल समर्थन हटा करके और अपना लूंगा। खबर लखनऊ से है, जहां सार्वजनिक स्थलों पर स्कूली ड्रेस पहनकर जाने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने सभी जिलाधिकारी को स्कूल ड्रेस से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म में प्रवेश न देने को कहा गया है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी कर इस बात को लेकर निर्देशित किया गया है। वहीं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए अब उत्तर प्रदेश में जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल के यूनिफॉर्म में किसी सार्वजनिक स्थल पे नहीं जा सकेंगे। साथ ही साथ जो बंक होता है स्कूल से, उसको रोकथाम को लेकर जो राज्य बाल संरक्षण आयोग है उसकी तरफ से आदेश जारी करते पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर सचिता चतुर्वेदी जी हैं। मैम, आपके विभाग के द्वारा आदेश जारी करते हुए जो स्कूल से बच्चे बंक कर देते हैं उसके रोकथाम के लिए एक पत्र जारी करते, इसको पूरी तरह से जो बच्चे ऐसा कृत्य करेंगे उन पर कार्रवाई की बात कही गई है, जिलाधिकारी को मॉनिटर करने की बात कही गई है, इस पर आप क्या कहेंगी और इसको लागू कैसे कराया जाएगा? आयोग की ओर से एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह है कि जो बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल टाइमिंग में अगर सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, पार्क इत्यादि में अगर देखे जाएंगे तो उनका पहले तो प्रवेश प्रतिबंधित होगा। दूसरा ये कि कोई कार्यवाही की बात नहीं कही गई है, उसमें यह है कि चूंकि ये बच्चे आयोग है और आयोग का कार्य है 18 साल तक के बच्चों का संज्ञान लेना, तो 18 साल तक के बच्चों में वो मैच्योरिटी नहीं होती, अतः ये एक जागरूकता के लिए ये विषय डाला गया है कि आप सभी लोग जागरूक हों। विभिन्न तरीके की घटनाएँ हम लोगों को सुनाई पड़ती हैं। आयोग में भी कई प्रकार के ऐसे केसेस आए जिसमें ये था कि बच्चा स्कूल गया और स्कूल से ही कहीं बाहर चला गया, तो ये जो विषय सामने आया और एक बच्चे की एक छोटी सी भूल, उसका एक छोटा सा बहकावा कहीं उस एक मुसीबत में डाल देता है और उसको, और साथ में एक प्रशासन के सामने एक प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल तैयार हो रहा था, तो उसको लेकर भी इस विषय को सोचा गया। साथ में बच्चों में इस समय जब से कोरोना 2 साल के बाद बच्चे बाहर आए तो एक उन्मुक्त माहौल उनको वो चाह रहे थे, तो वो जो अंदर बंद रहे, बहुत कुछ नेट से उन्होंने खोजा है और देखा है, तो एक अनुशासन जो कि विद्यार्थी का आभूषण भी है उसको भी ध्यान में रखा गया है कि 2050 जो है वो युवाओं का देश होगा भारत, और संपूर्ण विश्व की निगाह भारत पर है, तो एक अच्छा युवा देश के सामने रहे और जो कि आगे चलकर इस देश का प्रतिनिधित्व करे, इसकी मंशा सिर्फ इतनी है।
इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे सख्ती से पालन करवाएं और निगरानी करें। तो ऐसे कोई मॉल या होटल या रेस्टोरेंट जो सार्वजनिक स्थल पे जिसकी बात हो रही है, अगर वहाँ बच्चे स्कूली ड्रेस में पहुँचते हैं, उनके द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और जो बच्चे हैं उन पे क्या कार्रवाई होगी? क्या उन्हें उनके गार्जियन या स्कूल को भी जानकारी दी जाएगी इस पर? पूरा कैसे इसको निगरानी रखी जाएगी? बच्चे अगर रेस्टोरेंट में मिलते हैं और रेस्टोरेंट उनको परमिट करता है या सिनेमा हॉल उनको परमिट करता है, तो ये एक पहली वार्निंग देकर उनको बंद किया जाएगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और ये रिकमेंडेशन, चूँकि आयोग एक सजेस्टिव बॉडी है और सरकार को सजेस्ट भी करेंगे कि जो जो पॉइंट हम लोगों के दिमाग में, कई लोग बौद्धिक लोगों के साथ बैठकर जो विषय सामने आए हैं उसमें, और बच्चों को, तो बच्चों के गार्जियन को और उनके स्कूल को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका बच्चा यहाँ पर है। अगर रेस्टोरेंट या ऐसे सार्वजनिक स्थान बार बार इस गलती को दोबारा रिपीट करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मैम, ये बताएं कि जिलाधिकारी, सभी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है, तो उनकी तरफ से किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी जिलों में या फिर उसकी निगरानी पुलिस करेगी? पुलिस के पास बहुत सारा काम ऑलरेडी है, लेकिन मैं इसके लिए एक टास्क फोर्स के लिए डिमांड करूंगी जिलाधिकारी से और BSA, और उन्होंने इसको सभी जगह, कई जिलों से ऐसी खबर आई कि उन्होंने कई जगहों पर इसको मार्क किया है, तो एक टास्क फोर्स, तो इसके लिए एक डिमांड मैं भी करूंगी कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इसकी निगरानी करेगी जिले स्तर पर। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ राज्य बाल आयोग विकास की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बच्चे स्कूल बंक करके और सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि मॉल, रेस्टोरेंट और तमाम जगहों पे जाते थे और अनहोनी की आशंकाएं बनी रहती थी, इसको देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है और जो जिले के DM होंगे उनका सख्ती से इस नियम को पालन करवाना होगा। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, Prime TV, लखनऊ। खबर आगरा से है, जहां मंकीपॉक्स को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे बचाव के लिए जिला अस्पताल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पतालों में मंकीपॉक्स के लिए MRI बिल्डिंग में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। 2 कमरे मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभी तक तो कोई मरीज आया नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने व्यवस्था कर रखी है। हमारी कोरोना की व्यवस्था पहले से ही चल रही है, उसी की गाइडलाइंस पर ये मंकी पॉक्स का इलाज होगा और मैनेजमेंट होगा। हमने हमारा एक बिल्डिंग है हमारी, MRI नाम से, उसमें 2 कमरे कर दिए, उसमें 4 पलंग जो हैं हमारे मंकी पॉक्स के लिए रिजर्व रख लिए हमने। जैसे कोई मरीज आता है वायरल फीवर का, जिसको दाने दाने दिखते हैं मंकी पॉक्स की तरह, तो उसका सैंपल लेके बाहर भेज दिया जाएगा, भर्ती कर लिया जाएगा और कंसर्न चिकित्सक उसका इलाज चालू कर दे। अयोध्या रामनगरी में राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा और दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस दास की पुण्यतिथि के पूर्व सरयू तट पर स्थित समाधि स्थल पर संतों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा के साथ ही सरयू तट स्थित समाधि स्थल को विकसित करने की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से की है। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि महंत रामचंद्र परमहंस दास ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं के नेतृत्व में ही विवादित ढांचा गिराया गया, जिसके बाद आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 19वीं पुण्यतिथि के रूप में हम लोग आज यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं और यहाँ अभी अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्य एवं विभिन्न जनपदों से आए हुए राम भक्त, उनके अनुयायी, उनके शिष्य यहाँ आकर के अभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राम मंदिर के लिए महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव ने शुरू से ही लेकर 1949 से लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उनका सपना यह साकार हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। तिथि हमारे पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की थी। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अयोध्या के संत महंत, अयोध्या के राम भक्त लोग यहाँ आए हैं। परमहंस जी ने जो घोषणा किया था उस घोषणा को हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण किया है। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2023 के दिसंबर
तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 2024 के जनवरी में 14 जनवरी के बाद भगवान रामलला की स्थापना अपने जगह पर जहां पहले विराजमान थे अपने नवीन दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर हो जाएगी। खबर देवरिया से है जहां पुलिस अधीक्षक ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर देवरिया से है जहां प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को पानी पीने के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है और सरकारी नलकूप से शुद्ध पेयजल नहीं मिलने पर छोटे छोटे बच्चे अगल बगल गांवों में थर्मस में पानी लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वहीं जब इस मामले की शिकायत की गई तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है जहां सरकारी स्कूलों में नलकूपों से खराब जल आ रहा है, हम उसे तुरंत ठीक करवाने का काम करेंगे। इन चीज़ों का संज्ञान मैं ले चुका हूँ और मैं सबसे पहले जांच करवाऊँगा कि किस किस स्कूल में कहाँ के नल से पानी दूषित आ रहा है और जहाँ जहाँ ऐसी समस्या रहेगी उसके हम लोग जो है सो DPRO और जल निगम से मिल करके रिपोर्ट की कार्रवाई करेंगे ताकि बच्चों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो सके। खबर फरीदाबाद से है जहां मुजेसर इलाके में महाराजा फर्नीचर की शॉप पर लिफ्ट ठीक करते समय एक युवक की लिफ्ट से गिरकर मौत का मामला सामने आया है। तो वहीं मृतक युवक के परिजन इस हादसे को हत्या बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में रवाना करवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये श्याम नाम था मेरे भाई का, जैसे हम एक श्याम बोलते थे उसे जी। वो पहले वेल्डिंग का काम करता था काफ़ी साल पहले, उन्होंने छोड़ दिया कम से कम 8 साल पहले जी। मगर वहाँ एक सरदार जी हैं, वैसे उनके दोस्त रहा करते थे जी। तो उन्होंने काफ़ी 10-15 दिन से पहले उनसे काफ़ी इधर परेशान कर रहे थे कि भाई मेरा लिफ्ट ख़राब हो गई है, उसे ठीक करवा दो, कैसे ना कैसे करवा दो जी। वो मना करते रहे कि नहीं नहीं, फिर भी एक दिन उन्होंने ज़्यादा जिद किया तो वो शाम के टाइम निकल गए कंपनी। तो वहाँ जाके बस गए हैं और किसी ने वहाँ से उन्हें धक्का दे दिया है और जहाँ की हम फुटेज उनको देखने गए हैं तो वहाँ उनसे फुटेज नहीं है। हत्या का पूरा शक है सर। कल हमें शाम को सूचना आई थी एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में श्याम सिंह जी एडमिट है जी, चोट लगने का आईडी की। वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया जी, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया गया जी। अभी परिजन उसके जी कोई कंप्लेंट दे रहे हैं, इस उस पर जो कार्रवाई बनती होगी उसको वो करेंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाहनों के प्रवेश करवाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है और एंट्री टैक्स के नाम पर जगह जगह फर्जी कलेक्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं। अगर बात करें हम टप्पल के हमीदपुर तिराहे की तो वहां फर्जी कलेक्शन सेंटर चलाया जा रहा है और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को बड़े वाहन एंट्री करते हैं। बता दें टैक्स की रसीद के बावजूद अंबाला में गाड़ी पकड़ी गई है और तब फर्जी सेंटर की पोल खुली। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने फर्जीवाड़े के खिलाफ थाना टप्पल में शिकायत दर्ज करवाई। मौके पर पहुंची पुलिस को कलेक्शन सेंटर पर ताला लगा मिला। मैंने यहां से हरियाणा टैक्स कटवाया था 20 जुलाई को रात को 7:30 से 8 बजे के बीच में और इन्होंने मुझे नकली कार्ड के दे दिया है। कितने अम्बाला में मैं गया था, अम्बाला क्रॉस कर रहा था, मैं हिमाचल जा रहा था तो मुझे वहां पे अम्बाला RTO ने रोक लिया, उन्होंने चालान कर दिया, ये चालान है मेरे पास। हमारे रामलीला मैदान में कुछ गरीब मजदूर लोग अपनी गाड़ी से बाहर से हरियाणा से उत्तराखंड से हिमाचल से वहाँ से सब्जी का कारोबार करते हैं, अपनी गाड़ी में सब्जी लाते हैं और हामदपुर जिला अलीगढ़ के बीच टप्पल से आगे हामदपुर पड़ता है वहाँ टैक्स कटवाते हैं अदर स्टेट का, और जब टैक्स कटवाते हैं तो उन लोगों का टैक्स फर्जीफिकेशन के लोग काट रहे हैं। अब हमने उनको आगे यहाँ बात करी उनसे, IDO टैक्स वाले जो भी बंदे यहाँ टैक्स काटते हैं हामदपुर से और पीपरी के जो लड़के हैं अभी उनसे कहा तो उन्होंने ये कहा हमसे कि हम आपका पूरा खर्चा दे देंगे 20-30 हज़ार जो भी खर्चा है। प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्टर्स और व्यवसायियों को सुविधा देने की दृष्टि से सभी चेक पोस्ट को पूर्व में काफ़ी समय पहले ही समाप्त कर दिया गया है और प्रायः पहले इन चेक पोस्ट पर ही जो है
दूसरे प्रदेश के आने वाले वाहन टैक्स जमा करते थे, लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद है। खबर गाजियाबाद से है, जहां लंबे समय से चल रहे घरेलू विवाद के चलते भतीजे ने सगे चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इस बात की सूचना परिजनों ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। आज सुबह करीब 4:30-5 बजे ग्राम अबूपुर निवासी ओमवीर थाना निवाड़ी के पारिवारिक कारणों से जो है गोली मार दी गई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। परिवारिक जनों द्वारा जो है अपने भतीजों पे जो है उमिर के भतीजों गौरव और मोनी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां अरवल थाना क्षेत्र के खंदेरिया गांव में प्रेमिका को अपने साथ ले जाने आए प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने तमंचे से गोली मारकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ने हरपालपुर प्रभारी निरीक्षक के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच की, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना अरवल क्षेत्र में मल्लावा निवासी एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और वहीं पर उसके द्वारा तमंचे से खुद को गोली मार ली गई है। अभी पुलिस फोर्स मौके पर है और तस्दीक किया जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कारण रहा था आमतौर पर? जैसे मैंने बताया, प्रेमिका से मिलने गया था, वो कुछ आपस में संभवतः रिलेटेड भी हैं और प्रेम संबंध भी था। अब क्यों किया, कैसे किया, ये जांच पड़ताल के बाद ज्ञात होगा। खबर मैनपुरी से है, जहां शहीद हुए सुभाष सिंह चौहान की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैनपुरी के पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान शहीद स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि सुभाष सिंह चौहान 30 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इसके ऊपर और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी इस तरीके से सेना में जा सकूँ और अपने देश के लिए नौछावर हो सकूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ इस बात के ऊपर कि हमारे परिवार से कोई सेना में गया। खबर संभल से है, जहां बाढ़ के सीजन का सबसे ज्यादा पानी गंगा में बह रहा है, जिससे गंगा में बाढ़ आ गई है और गंगा में पानी का स्तर खतरे के निशान से करीब 1 फीट ऊपर पहुंच गया है। वहीं बाढ़ से हो रहे कटान कटकर भारी तादाद में गंगा में जलकुंभी आ गई है, जिसके बाद गंगा में आई बाढ़ से बंधे खेतों में बाढ़ के आसार पैदा हो गए हैं। ये बबराला घाट है। क्या स्थिति है गंगा की, समय बताओ? गंगा की स्थिति बाढ़ पर है और इसमें जलकुंडे वगैरह कट के आ रही है, इधर खेतों में भी नुकसान होने की संभावना है और कल से जल बढ़ ही रहा है। कितना पानी बढ़ गया होगा ये? करीब करीब कल से 1.5 से 2 फुट तक बढ़ गया है जल। गंगा जी जल थोड़ा बढ़ गया, 2 फुट है सर। तो ये कब से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है सर, ये कल से जी। खबर शाजापुर से है, जहां के डोरेमोन्स इंटरनेशनल स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों की नेत्र की गंभीरता से जांच की गई है। इस दौरान डॉक्टर आकाशदीप रस्तोगी ने बच्चों को हरी और हेल्दी सब्जियां खाने और जंक फूड अवॉइड करने को कहा। इसके साथ मोबाइल को कम से कम और उचित दूरी से देखने की सलाह भी दी। सभी बच्चों को इस तरह की सलाह के साथ बताया गया कि बच्चों को किस तरह से अपनी आंखों का ख्याल रखना है। तो वहीं प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को नेत्र जांच और मुफ्त कैंप आयोजन के लिए ट्रॉफी सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर उनका आभार व्यक्त किया। कि लॉयंस क्लब शाजापुर सहेली विभिन्न प्रोजेक्ट करता रहता है, सर्विस एक्टिविटीज करता रहता है और हम समय समय पर विभिन्न चेकअप कैंप्स और डेंटल, जैसे डेंटल चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। आज उसी श्रृंखला में हमने डोरेमोन स्कूल में जो है आई चेकअप कैंप का आयोजन करवाया है।
जिससे बच्चों के बीच में जो भी आँखों की बीमारियाँ हैं या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हम डिटेक्ट कर सकें और उनका समय पर इलाज कर सकें। अगर बच्चों में किसी प्रकार की कोई आँखों में कमी है जिसकी वजह से उनकी विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी पढ़ाई में रुचि कम लगेगी, उन्हें दिक्कत आएगी और उसका इम्पैक्ट उनके पूरे ओवरऑल जो है रिजल्ट पे आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रोइंग स्टेज है उसमें हम बच्चों की जो है आई चेकअप करके और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें। तो प्राइमा फेसी अगर हम उनका विजन भी खाली चेक करते हैं साल में एक बार तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि बच्चों आजकल जो है वो आजकल मोबाइल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पढ़ाई का जो है बर्डन भी ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, तो बच्चों में मायोपिया जो है प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां हरियाली तीज महोत्सव को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ तीज का महोत्सव का आयोजन किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी महिलाओं ने अपने अपने पसंद के गीतों पर खूब डांस किया और बड़े भव्य तरीके से प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी को पता है कि पार्वती माता ने अपने भोले जी को पाने के लिए ये व्रत किया था और इससे जितनी भी सुहागन महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को मनाती है। आज मैंने भी अपने जो खोड़ा की परिवार की जो महिलाएं हैं सभी को बुलाकर इस त्यौहार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा अपने साथ में सहभोज का। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।